तब शंकर जी ने हाथी की सूंड काटी और गणेश जी की गर्दन की जगह पर रखकर उनको जीवित किया। तब गणेश जी जिंदा हो गए। तब इब्राहिम ने अपने बेटे इस्माइल को पेशानी के बल जमीन पर लिटा दिया और तेज छुरी बेटे की गर्दन पर चलाने लगे, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन का उधर हुक्म हुआ, बस नहीं आए छुरी, तू अपना काम नहीं करेगी। इब्राहिम अपना काम कर रहे हैं, छुरी को हुक्म हो गया तू चलेगी नहीं। आवाज आई, बस फिर हमें ये मिलता है, जब आप भविष्य पुराण पढ़ेंगे तो हमें यह मिलता है कि शंकर जी की कोई औलाद नहीं होती थी, तो उन्होंने अपनी पत्नी को एक मंत्र दिया पार्वती जी को, और पार्वती जी जब नहाने लगी तो उनके जिस्म से, उनके शरीर से जो मैल और कुचैल और गंदगी जो निकल रही थी, उस मैल और कुचैल और गंदगी से उन्होंने एक पुत्र बनाया बेटा, और उसका नाम रख दिया गणेश। गणेश को तलवार लेकर दरवाजे पे खड़ा कर दिया, किसी को अंदर मत आने देना, मैं नहा रही हूं, मैं स्नान कर रही हूं। शंकर जी अपने घर आ रहे हैं, गणेश तलवार लेकर बाहर खड़े हैं। गणेश को यह नहीं मालूम कि यह मेरा बाप है, और शंकर को यह नहीं मालूम कि यह मेरा पुत्र है। शंकर अंदर जाने लगे, गणेश ने कहा कहां जा रहे हो? शंकर जी ने कहा वाह, घर मेरा, मुझसे पूछ रहा कहां जा रहे हो, मेरी बिल्ली मुझी को म्याऊं? गणेश जी बोले कि मेरी मां ने कहा है कि किसी को अंदर मत आने देना, मैंने वचन दिया है कि कोई भी अंदर नहीं जा सकता है, मैं अपनी जान दे दूंगा लेकिन वचन बेकार नहीं करूंगा। शंकर जी ने तलवार उठाई और कहा मुझे मेरे घर में जाने से रोक रहा है, पार्वती कौन है तुम्हारी? गणेश ने कहा मेरी माँ। शंकर ने कहा वाह, पार्वती मेरी बेटी है, मेरी बीवी है, और तू कह रहा मेरी माँ है, मेरा तो कोई पुत्र है ही नहीं। तब गणेश जी ने कहा कि आज ही तो उन्होंने बनाया है। शंकर जी बोले भगवान मैं हूं, बनाना पार्वती जी को कैसे आ गया है? दोनों में बहस चली और शंकर जी को गुस्सा आया, उन्होंने तलवार मार दी और अपने बेटे की गर्दन उड़ा दी, अंदर घुस गए। पार्वती जी ने जिद की, ये तुमने क्या किया, मेरे बेटे को, मेरे पुत्र को तुमने मार डाला, उसका वध कर दिया, अब मैं उस वक्त तक तुमसे बातचीत नहीं करूंगी जब तक कि मेरे पुत्र को तुम जीवित न कर दो। शंकर जी ने पूरे जंगल में अपने पुत्र की कटी हुई गर्दन तलाश की लेकिन नहीं मिली। कहने लगे पार्वती जी ये क्या हो रहा है, अभी तो मैंने गर्दन काटी लेकिन वो गर्दन तो कहीं मिली नहीं रही है, रास्ते में एक हाथी चला रहा है। शंकर जी ने कहा अगर इस हाथी का सूंड काट कर अगर मैं गणेश जी के सर की जगह पे लगा दू और गणेश जी को जिंदा कर दू तो चलेगा? पार्वती जी बोली कुछ भी करो लेकिन पुत्र को जिंदा करो। तब शंकर जी ने हाथी की सूंड काटी और गणेश जी की गर्दन की जगह पर रखकर उनको जीवित किया। तब गणेश जी जिंदा हो गए। धूल की तह जम गई इस वाके पर, हमने बहुत ढूंढा, बहुत तलाश किया, इस किस्म का कोई वाकया कुरान और हदीस के अंदर भी मिल जाए ताकि हम अपने हिंदू भाइयों को बता सकें कि देखो ये चीज हमारे यहां पर भी पाई जाती है, लेकिन हूबहू तो नहीं मिला, लेकिन उससे मिलता जुलता एक वाकया मिल जाता है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सालों साल कोई औलाद पैदा नहीं हुई, वो दुआ मांगते थे रब्बे हबली मिनस सालिहीन, अल्लाह मुझे सवाले बेटा दे, अल्लाह मुझे नेक बेटा दे। 99 साल की उम्र में, 86 साल की उम्र में अल्लाह ने उनकी दुआ सुनी और उनको एक बेटा दिया, नाम रखा इस्माइल। जब वो बेटा 13 साल का हो गया
तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा सपने में कि मैं अपने बेटे को जिबा कर रहा हूँ और अल्लाह मुझसे मेरे बेटे की कुर्बानी मांग रहा है। तब अपने बेटे से उसका इजहार किया, बेटा तैयार हो गया। हजरत इब्राहिम यूं कहते हैं अपने बेटे से, या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अस्बहुका फंजुर माज़ा तरा। मेरे लगते जिगर, मेरे बेटे, मैंने आज की रात ख्वाब देखा है कि मैं अपने हाथ से अपने बेटे को जिबा कर रहा हूँ, अपने बेटे को काट रहा हूँ, यानी अल्लाह मुझसे तुम्हारी कुर्बानी मांग रहा है, तुम्हारा क्या इरादा है? फंजुर माज़ा तरा, तुम्हारी राय क्या है? इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फौरन जवाब दिया, या बतिफ़ल मा तुमर सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस सादिरीन। अब्बू जान, आपको आपके रब ने जो हुक्म दिया है उस काम को आप कर डालिए, इंशाअल्लाह आप सब्र करने वालों में से होंगे, इंशाअल्लाह आप सब्र करने वालों में से होंगे। तब इब्राहिम ने अपने बेटे इस्माइल को पेशानी के बल जमीन पर लिटा दिया और तेज छुरी बेटे की गर्दन पर चलाने लगे, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन का उधर हुक्म हुआ, बस नहीं, आए छुरी तू अपना काम नहीं करेगी। इब्राहिम अपना काम कर रहे हैं, छुरी को हुक्म हो गया तू चलेगी नहीं। आवाज आई, बस बंद करो इब्राहिम, कद सद्दक्त रुया इन्ना कज़ालिक नजज़िल मुहसिनीन। बस करो, तुमने अपने ख्वाब को सच्चा कर दिखाया और मैं नेक लोगों को इसी तरीके का बदला दिया करता हूँ। फिर अल्लाह ताला ने जन्नत से एक दुम्बा भेजा और वो इस्माइल की जगह पर दुम्बा जिबा कर दिया गया। मेरे भाइयों, यहाँ शंकर ने गणेश की गर्दन उड़ाई, यहाँ इब्राहिम ने इस्माइल की गर्दन पर छुरी चलाई, वहां गणेश कट गए, यहाँ इस्माइल कटे नहीं। वहां गणेश को जिंदा रखने के लिए हाथी काटा गया, यहां इस्माइल की जगह पर दुम्बा आया है। कितनी धूल जम गई किताबों पर और जमाने गुजरते गए। इस वाकये को जब इस हकीकत के हकीकत की रोशनी में जब तलाश करते हैं तो पता चलता है कि किसी न किसी शक्ल में यह वाकया कुरान और हदीस की किताबों में मौजूद है, जिसको ये शंकर कह रहे हैं। हो सकता है हमारे यहाँ वही इब्राहिम अलैहिस्सलाम हो, और जिसको ये गणेश कह रहे हो सकता है हम उन्हीं को इस्माइल अलैहिस्सलाम मानते हो, और जिसको ये पार्वती मानते हैं हो सकता है कि हमारे यहाँ वही हाजरा हों, लेकिन हो सकता है कि साथ क्लियर हम भी नहीं कर सकते। इन चीजों के सामने देखिए तो पता चलता है कि हकीकत क्या है। यह धूल कौन साफ करेगा जो किताबों के जरिए चढ़ चुकी है? घर साफ करते हो, कपड़े साफ करते हो, बर्तन साफ करते हो, किताबों पर जो खुराफातों की धूल जम गई है उसे कौन साफ करेगा? अल्लाह ने तुम्हें फिल्टर दिया है, साफ करने की चीज दी है, पाउडर दिया है, और वो है कुरान करीम। इस कुरान करीम की कसौटी पर रखकर उस धूल को साफ कीजिए, हर चीज चमकती हुई सोने की तरह आपके सामने क्लियर होती चली जाएगी। मेरे भाइयों, ये हमारा एक साथी है, राजधानी चैनल चलाता है। आप YouTube पर राजधानी चैनल के नाम पर जब सर्च करेंगे तो आपको वो मिल जाएगा। आप उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिए, तो आपको हमारी और हमारे अलावा और उलमा की तकरीरें आपको नोटिफिकेशन में मिलती रहेंगी, आप उनको सुन सकते हो। राजधानी चैनल है, उसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा